भक्त जना सब जितने भी विद्यार्थी थे उस आश्रम में सब राम के नाम के दीवाने हो गए। कयादू के पास में जो इनकी रानी थी ले गया और कहने लगा, ए कयादू इस बच्चे को समझा दो, या तो ये भगवान का नाम लेना बंद कर दे या इसे जहर दे के अभी मार दे, मुझे नहीं चाहिए कुल को कलंकित करने वाला नीच। और कहने लगा है, जाए दीजो जहर पिलाइए, रानी सुनिए रज मारिए, जाए दीजो जहर पिलाइए, रानी सुनिए रज मारिए, कह रहो भूप बलदाइए, मेरो कचहरी जाइए, भक्त जनों इतनी बात कह करके हिरण्यकश्यप सभा के लिए चला गया, कचहरी के लिए निकल गया। उन्होंने जैसे ही प्याला को देखा तो तनिक भी देर नहीं की और जैसे ही प्याला हाथ लिया कर गए पान हंसते हंसते, परदेश झलक दिखान लगे करुणानिधि हंसते ही हंसते, जैसे ही वो पिसका प्याला अपने हाथों में लिया देर नहीं की, जैसे ही प्याला हाथ लिया कर गए पान हंसते हंसते, परदेश झलक दिखान लगे परदेश झलक दिखान लगे, करुणानिधि तब हंसते हंसते, भक्त जनों भगवान ने दर्शन दिए। पहले तो प्रहलाद को थोड़ा सा डर लगा लेकिन वो डर खत्म हो गया, हंसते हंसते पान कर गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय कर गए पान, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जागो राखे साईया बाय मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी।